जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता बोल सब जो अनंतनाग में किलिंग हुई है इसके हवाले से। कल जो अनंतनाग के अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता और सरपंच अजय पंडता जी की निर्मम हत्या की गई है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं। और मैं सरकार से ये डिमांड करता हूँ, जिन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है उनको फौरी तौर पर सजा दी जाए। जिस तरह से आजकल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों को ख़त्म करने का एक बड़ा संपर्क अभियान चलाया हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज मिलिटेंट बुखला गए हैं। उन्होंने ये इस बुखलाट का नतीजा है जो उन्होंने काम किया, लेकिन फिर भी मैं उनका जो एक शांति और अमन का वातावरण श्रीनगर के अंदर बन रहा है उसको उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो भी बंदूक उठाता है उसको माफ़ नहीं करना चाहिए और जो हत्या की गई है इसका फौरी तौर पर इसका बदला लिया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो अमन और चैन के साथ वहाँ पर रह सकें, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। और मिलिटेंसी की बंदूक की हमारे कल्चर में कोई जगह नहीं है और इसकी जगह होनी भी नहीं चाहिए। मैं फिर सरकार से अनुरोध करूँगा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। अगर आप देखेंगे इस समय भी बॉर्डर के ऊपर हर रोज शेलिंग करती है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर अमन और चैन के साथ रह सकें।